बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है कि सॉल्व द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है, साइन ऑफ जेड इज़ इक्वल टू टू बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन दैट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने इक्वेट करके इसको जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो साइन ऑफ जेड जो है, साइन ऑफ जेड दैट इज़ इक्वल टू टू, और z किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें z की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू टू। ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, या डायरेक्ट फार्मूला भी हमने लिखा हुआ है उससे आप जो है वो कर सकते हो, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि हमारे पास ये आयोटा वाई इज़ इक्वल टू टू। अब काज आयोटा वाई, ये हमारे पास काज हाइपरबॉलिक वाई के इक्वल होता है, साइन एक्स कॉज हाइपरबॉलिक वाई प्लस ये साइन आयोटा वाई, आयोटा साइन हाइपरबॉलिक वाई के इक्वल होगा। तो आयोटा मैं इधर लिख रहा हूँ, कॉज ऑफ साइन हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू टू प्लस आयोटा ज़ीरो, इसको मैं वन कह लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, जैसे उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके इसको जो है वो इक्वेट करके आप जो है वो इसको सॉल्व करोगे। तो साइन ऑफ एक्स कॉज हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू टू, और इसी तरह जो है वो कॉज ऑफ एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये देखेंगे इस इक्वेशन से, अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ज़ीरो कैसे आता है, एक्स को अगर हम पाई बाय टू पुट करते हैं तो कॉस पाई बाय टू क्या होता है, ज़ीरो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू एन पाई जो इसका पीरियड है उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब एक्स की इस वैल्यू के लिए ये क्या होगी, वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक। तो फिर हम जो है वो इस वैल्यू को इधर जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या क्या आना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, साइन ऑफ पाई बाय टू, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, ये अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं, और कॉज हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू क्या है, टू है, तो साइन पाई बाय टू किसके इक्वल होता है, वन के। तो ये आ जाएगा कॉज हाइपरबॉलिक वाई इज़ इक्वल टू टू, तो यहाँ से वाई किसके इक्वल आएगा, कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स टू के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स जेड जो है वो फिर किसके इक्वल बना, जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, और आयोटा वाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स टू के इक्वल है। फिर इससे पहले एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये भी बात की थी कि ये जो स्टूडेंट्स कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स टू है, इसको हम जो है वो एक और फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, जेड इज़ इक्वल टू, इसमें से पाई कॉमन ले लें तो ये वन बाय टू प्लस टू एन, और पाई जो है वो कॉमन आ गया, प्लस आयोटा। अब कॉस हाइपरबॉलिक टू जो है वो इसको, कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स टू, इसको पहले वीडियोस के अंदर भी जो है वो प्रूव भी किया था, और एक दफ़ा हम एक दो दफ़ा यूज़ भी किया है। ये बेसिकली क्या होता है, प्लस माइनस लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री के इक्वल होता है, प्लस माइनस लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री। तो इसकी जगह पे प्लस माइनस लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या बन गया, इसको आप टू एन प्लस वन बाय टू पाई ये लिख लें, प्लस माइनस आयोटा लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उससे हमने जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका जो बी पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो कहता है यूजिंग द एक्सप्रेशन 35 फॉर साइन इनवर्स जेड, और वो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको यूज़ करके जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो लिखना चाहते हैं। अच्छा, अब ये देखो ये क्या बनेगा, हमारे पास ये जो बी पार्ट है, अब बी पार्ट किसके इक्वल गिवन है, बी पार्ट इज़ साइन ऑफ जेड इज़ इक्वल टू टू, साइन ऑफ जेड इज़ इक्वल टू टू। तो इसका मतलब ये है जेड किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स टू। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स टू फाइंड करना है, और साइन इनवर्स जेड जो है वो हमें गिवन है, इसकी जगह पे हम जो है वो रिप्लेस करेंगे
ये वैल्यूज़ को, ये जो टू है, तो हमारे पास जो वैल्यू है साइन इनवर्स जेड की वो आ जाएगी, यानी कि साइन ऑफ जेड जो है वो जिस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है वो वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये देखो जेड किसके इक्वल आ गया, जेड इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स टू है। अब जहाँ पे भी ये देखें, ये साइन इनवर्स जेड, तो जहाँ पे भी जेड है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टू को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस माइनस वन माइनस टू स्केयर और इसका स्केयर रूट। ये आ जाएगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस माइनस, ये क्या बना, ये वन माइनस फोर माइनस अंडर रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा आ जाएगा। इस कुछ है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ आयोटा कॉमन ले लें और टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लॉग आयोटा, इसका मतलब ये है कि अब हमने जो है वो लॉग आयोटा टू प्लस अंडर रूट थ्री के लिए भी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है और माइनस अंडर रूट थ्री के लिए भी जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे। अब इसके लिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास माइनस आयोटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस अंडर रूट थ्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और इसी तरह माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा टू माइनस अंडर रूट थ्री, इसकी भी जो है वो हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे और फिर रिज़ल्ट को जो है वो हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो है वो लिखते हैं, लॉग ऑफ आयोटा, लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस अंडर रूट थ्री, ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री, ये आ जाएगा, और प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ, ये आ जाएगा आयोटा टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस टू एन पाई, ये वाला रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अब ये देखो, ये आ गया लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री, और इधर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये देखें, ये पॉजिटिव नंबर है और इसके साथ आयोटा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, ये कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो तो आयोटा के साथ हो, तो इसका आर्गुमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, पाई बाय टू होता है, क्योंकि ये वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलॉन्ग होता है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस टू एन पाई आ जाएगा। इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा, और इसे टू एन प्लस वन बाय टू और पाई जो है वो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह जो है वो, और फिर हमारे पास ये साथ माइनस आयोटा भी है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास साथ माइनस आयोटा है, तो ये क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ आयोटा टू प्लस अंडर रूट थ्री। अब मैं इसको माइनस आयोटा से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस आयोटा से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये स्टूडेंट्स फिर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा लॉग ऑफ टू प्लस अंडर रूट थ्री, और ये आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू एन प्लस वन बाय टू, और ये आ गया। इसी तरह हम दूसरे को भी जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इधर जो है वो साथ प्लस माइनस आ जाएगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर आया है, और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।